हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिक ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन में सिर्फ लुब्रिकेटिंग का और कूलिंग का काम करता है। स्पेशली मशीन में स्लाइडिंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, रनिंग पार्ट्स और जहाँ पे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेटिंग का काम करता है। और हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक मशीन में मशीन के पार्ट्स जैसे एक्चुएटर्स, सिलेंडर्स, हाइड्रोमोटर्स, वॉल्स, कंट्रोल ब्लॉक, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, पाइपलाइन इत्यादि को लुब्रिकेटिंग और कूलिंग का काम करता है। और इसके साथ ही हाइड्रोलिक ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है जो है पावर ट्रांसमिशन, जिसके वजह से हाइड्रोलिक ऑयल यूनिक होता है। और हाइड्रोलिक ऑयल का जो विस्कोसिटी इंडेक्स होता है वह ज़्यादा होता है, करीब 100 से 150 तक होता है इसका विस्कोसिटी इंडेक्स। दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग अलग होता है उसके एप्लीकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, जनरल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड हाइड्रोलिक ऑयल का जो बेसिक डिफरेंस होता है वह आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।